हे सर, वेलकम टू माय व्लॉग, फर्स्ट टाइम। डीजे बताइए अपने इस आउटफिट के बारे में, गौरव बताइए। दोस्तों जिनको आदत नहीं है ना ढंग के कपड़े पहनने, इसके लिए मेट्रो स्टेशन में एक दिन बर्थडे बनेगा। गौरव के नए शौक, उसके चक्कर में हमें भी खाना पड़ता है, रागी के पराठे। शौक नहीं है मेरे, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। जो हमारी कुक वाली दीदी है वो हमें ऐसे डांटती है ना मैं बोलना चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ऐसे ही होने चाहिए, नहीं कि सामने वाले की पटी भी रहे। हाँ, गौरव ने बोला रागी के बनाए, क्या बोला? अरे ये फालतू फुलतू का जरूरत नहीं है, जो बनता है बनाएगा। बोला फटता है पराठा, मैं नहीं बनाऊंगी रागी वागी का पराठा। हम ही डर गए, हमने कहा भैया हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। Hey guys, welcome to another vlog. आज का vlog बहुत important है क्योंकि आज आई एम अहमदाबाद फेस्टिवल में। एक मैं हूँ आकाश सूरी बसी दुआ जाकिर भाई, और कौन अभी तो प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं, रोल तो हो गया है। रोल तेरे दांत में क्या हुआ है भाई? मेरा दांत दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। मेरा मन कर रहा है कि भंडो लास्ट डाल के निकाल के फेंक दो बाहर, और शो करना है शाम को इसके साथ ही। पता नहीं क्या भाई, तूने दो चाय भी पी ली, दो एक तो बड़ी चाय पी भाई, 3600 रुपए की चाय है पता है? ये नहीं, एक इसकी जो पिछली वाली पी थी ना 3600 रुपए की थी। हाँ, ये 12 रुपए की छोटा सा ही दे। कह रहे हैं स्टैंडिंग ओवेशन के बारे में, है? स्टैंडिंग ओवेशन के बारे में क्या कह रहे हैं यार? अगर आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उसको ऑडियंस जो कुछ करती है अपनी तरफ से। किसके लिए बोल रहे हैं? किसी के लिए, जनरल स्टैंडिंग ओवेशन। सूर्य अभी क्या बोल रहा था स्टैंडिंग ओवेशन के बारे में? जिनको रोज रोज मिल रही है स्कैम है, ऐसा ये आदमी बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, सभी को बताया यार वो फॉर्मेट तो कैसे मिलती है, कैसे इस व्लॉग का नाम होना चाहिए स्टैंडिंग ओवेशन व्लॉग। मैक्सिमम स्टैंडिंग ओवेशन क्या होती है? तेरा शो खत्म हुआ, 3 लोग खड़े हो गए, या तो तू वहां पे खड़ा रहे तो वो बाकी लोग भी उनको 3 को देखे कि 2 और खड़े हो गए, 4 खड़े हो गए, सबको लग रहा है खड़े हो ना तो खड़े हो जाओ, वरना एक असली वाली भाई बहुत रेयरली होती है, नहीं होती। हम क्या, हम बात तूने बातें सुनी है कॉमेडियंस की क्या होती है स्टेज पे? क्या उन बातों को सुनकर कोई स्टैंडिंग ओवेशन देगा? ऐसे तो हम किसी की जिंदगी थोड़ा बदल रहे, टट्टी करते वहां पे पकड़ा गया, इन बातों पे स्टैंडिंग ओवेशन देते लोग। नहीं, विक्टिम गेम खेल गया, अब अपना मटेरियल बना के बता दिया कि मैं तो स्टैंडिंग ओवेशन लायक नहीं हूं, हमने विक्टिम गेम खेल गया। रामी साला, मैं नहीं कर रहा ना, चालू रुक जा यार। दोस्तों एंट्री हुई नहीं, ये व्लॉग गुजरात वालों के व्लॉग पहले चालू है भाई, हमें भी करने दो यार थोड़ा। मनन भाई पहली बार व्लॉग, कैसे मजा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा होएगा। I was always looking forward to feature on your vlog. I was also looking forward to feature on this camera in any of the vlogs. इतना महंगा कैमरा जो भी ले आओ व्यूज तो मेरी ज्यादा आएंगे। इन द होटल अभी बाकी लोग आ रहे हैं, बस्सी आ रहे, जाकिर आ रहे हैं, सोनाली और कौन कौन है, दुआ है, आकाश और सूरी से तो आप मिल लियो हल्के फुल्का। एनीवेज शाम का जो है अपने थोड़ी देर तो रूम में हो भाई, रूम में आज ये दिया है, ये देख रहे हो भाई फोटो फ्रेम करा के, ये फोटो ऐसे गुप्ता नहीं खींची थी। कुछ तो है भाई, ये सब है जो मैं नहीं खा सकता दांत दर्द की वजह से। ये देखो दोस्तों, कॉमेडी फैक्ट्री वालों ने कुछ ज़्यादा इंतजाम नहीं कर दिया। वैसे पिछली बार मैं इस होटल आया था पर मैंने ये वाला रूम लिया नहीं था, ये थोड़ा महंगा वाला है। मैं तो जो कमरा और सीधा संडास। क्या क्या है मिस्टर कपूर, वेलकम टू नोवोटेल लंगा योर होम अवे फ्रॉम जैम सी हनी आमला हनी, नॉट बैड यार। पीछे से आ रही थी लाइन यार, है तो सही, बढ़िया शॉट आ रहा है यार, कभी लोग आ रहे हैं। चुप हो जाओ भाई, इतनी लंबी लाइन। हे गाइस, डर लेंगे लोग, देखा क्या बढ़िया शॉट आया भाई, अंकल जी भी तीर दिन। अरे दो सर की तो वो अभी पॉश ऑडियंस है, सीधा सामने चाहिए, BMW रोकेंगे और सीधा अंदर घुसेंगे। अरे मैं फर्स्ट फ्लोर वाले लेवल का शो ही नहीं लेता। क्या बात कर रहे हो, दो बालकनी ना मिट एंड मैच, तभी तभी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है भाई। ये हटा दो भैया, भाई हम भी आर्टिस्ट है यार, भाई हम भी हमारी भी इज्जत है यार, छोड़ के चले गए यार सब लोग। सर वेलकम टू माय व्लॉग, फर्स्ट टाइम भाई, ये देख लो स्नीकर के जमाने में बी माई जुत्ती, इन दीज टाइम्स ऑफ स्नीकर बी माई जुत्ती, ये असली जॉर्डन, देसी जॉर्डन सर, एयर टंडन्स 1, वेरी कंफर्टेबल चीज है यार, जब नंगे पांव बैठा कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, मैं तो जब भी पहन के काटती है। अरे यार तेरे पड़ी होगी ना, पड़ने में कंफर्टेबल नहीं है। सो गाइस फाइनली एट द वेन्यू एंड शो इज यार, इसलिए मैं इतनी देर से नहीं बना रहा था यार, मुझे पता कोई तो हंसेगा यार। दोस्तों यार कॉमेडियन बड़ा जज करते हैं यार, मैंने जैसे ही व्लॉग शुरू करा हंस दिया यार, सोनाली पीछे से ये देख यार कौन सा कैमरा लेके आ गया मेरे ऊपर। गाइस फाइनली एट द वेन्यू, आकाश गुप्ता, सोनाली, अमित सर, प्रीति चिरायु, एंड यहाँ पे सूरी दुनिया से अलग चुप करके उधर बैठा किनारे में। अच्छे नहीं होते मेरे व्लॉग, आपने देखे कभी? एक आध तो देख ही लिया होंगे, है ना, एक आध तो कोई तो देख ही लिया होगा सर। शर्म आती थोड़ी स्टार्टिंग में, एक तो ये भाई पेट ये निकल रहा है ना भी है भाई इनके पास। ये बहुत बढ़िया आईपी थी,
जिसका नाम था डैडीज डे आउट, जिसमें अमित टंडन, अतुल कद्री और कॉमेडियन प्रवीण भी थे। और ये शो खत्म होने के बाद बॉयज डे आउट हो जाता था, जिस ऑटो में बैठते थे ना, मतलब जो तेजी से चलाते हैं डिफरेंट लेवल। मैं पहली बार बैठा, मतलब मैं तो पता नहीं 22 साल का होगा, मेरी फट गई है। ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ यार अगो डिवाइडर पे यार, ये फिर रिकॉर्ड यार, ये तो होने चाहिए ना यार। यार ये तो अच्छा है यार, ये तो काम किया था, तू ट्राइपॉड पे लगा दिया। नहीं नहीं ट्राइपॉड में यार, ये तो मूवमेंट है दोस्तों, बात हो रही है अमित सर की स्कॉर्पियो की, और अमित सर कैसे स्कॉर्पियो चलाते हैं उसमें फटती थी। अमित सर के रैश चलाने से तेरा ये रिएक्शन क्यों था? मेरा रेप हो जाएगा भाई, वो है तो पश्चिम बिहार कहीं ना, जो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं का ज्वाला एडियन नांगलोई तो निकलता ही है बाहर। फ्रेंड भाई अनाउंसमेंट करते हुए, ये सुनाई नहीं देगी आपको अनाउंसमेंट, पूरा दारोमदार इन्होंने अकेले संभाल रखा है। शाबाश दारोमदार, अभी चिरायू भाई जाने वाले हैं फाड़ने के लिए। पीछे सोनाली ब्लॉग में आएगी क्या? देखो, जो जो स्टेज पे जाएगा ना उस पे ऐसे लाइन नहीं खड़ेगा किसको। हाँ ठीक है, तू नेक्स्ट हुआ है क्या? ओए भाई तगड़ा लाइन आ रखा गुजरात में आज। गाइस न्यू डिजाइनर वेयर गौरव कपूर, पीछे बताइए अपने इस आउटफिट के बारे में। गौरव बताइए दोस्तों, जिनको आदत नहीं है ना ढंग के कपड़े पहनने की, इनको क्या प्लेन शर्ट प्लेन पैंट और जूते पे ध्यान देना। उसका पर्पस, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या है? कपड़े में एक डिटेलिंग नाम की चीज होती है, तुम्हें आईडिया ही नहीं है क्या होता है। तो ये ब्लाउज जो आपने कहां से लिया है? ये ब्लाउज नहीं है भाई, ये डिटेलिंग है। ये देखो काली शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, कौन से रंग की शर्ट? ये रंग रंग कलर, इट्स रस्ट। दोस्तों हर बार मैं अमित टंडन जी से मिलता हूँ, अमित टंडन जी एक साल और जवान लगते हैं, और मैं एक साल और बूढ़ा लगता हूँ। तो अभी अमित टंडन जी और मेरी एज एकदम वो मैथ्स का क्वेश्चन बन चुकी है। इफ गौरव इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 years पर ईयर एंड अमित टंडन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 year पर ईयर, तो एट व्हाट एज दे बोथ विल लुक सिमिलर। अच्छा, और ये जो किसने ना पहले कार में कर दिया था, क्या लग रही है यार, ऐसा क्या है भाई, डिटेलिंग होती है दोस्तों। इस शर्ट में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, दो बटन की कमी बस। चिरायू स्टेज पे दोस्तों, निशान सिरी फाड़ते हुए आगे। गौरव कपूर बहुत ही नर्वस है भाई, भी स्टेज पे जा रहे हैं ना, सब किल कर रहे हैं, मेरी भी तो पटती है ना, मैं भी तो इंसान ही मनन भाई, आपके सामने प्रूफ भी कर रहा है ताकि इसके बाद आप मेरे शो कर पाओ। कैसा लग रहा भाइयो, शो के बाद मैं और दुआ, क्योंकि अभी आकाश और बस्ती निकल गए, हम दोनों बैठ गए कुर्सियों पे, 25-25 मिनट बचा तो टाइम पास मार रहे हैं। ट्राई सीन अभी भाई, रिलैक्स करेंगे पूरा, ओनली रिलैक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल एंजॉय। इतना थक गए ना 15-15 मिनट परफॉर्म करके हम लोग, सही बात है भाई, ये तो पीछे जा रहा है पूरा भैया, क्या करूँ अब, एंजॉय करो। ए हाथ डाल दो, फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो भाई, फुल बॉडी हो गई। शूट के लिए आया मुंबई यार, और मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड रुको यार, मैं अभी आपको दिखा दूं। ये देखो गांगुली है मेरे साथ, गांगुली और मैं सेम शूट में, अब मैं दिखा दूं मेरी वैनिटी भाई, एक सेकंड दोस्तों, ये रही मेरी, ये बस खत्म, ये कुल मिला के यहाँ तक, ठीक है अभी एक सेकंड भाई। गांगुली को इतनी इज्जत क्यों, मेरे को क्यों नहीं इतनी इज्जत? और भाई ये देख लो भाई, गांगुली का तो अलग चल रहा है यार भाई, अंदर घुस के लाइटें, इतनी लाइटिंग ऑन रखा है, ये देखो ये ट्रे रखी है, केला कूला भाई, बेल्ट अलग से दिए इनको, पता नहीं क्यों, एक और वॉशरूम भी है, और भाई भाई इसमें जो इंटीरियर रखे वॉशरूम में देखो, ये गेस्ट वाला है यार भाई, ये तो पूरा घर बना के दिए, ये देख रहे हो इतना सामान पूरा, कॉफी वॉफी ये सब कुछ आपका है अपना, ये मैक भी उन्होंने ही दिया है, हैं ये मैक भी उनका है, पेमेंट दिया नहीं दिया, सारा सारा इधर ही डाल दिया, सिर्फ काइंड में ही पेमेंट कर रहे हैं।
भाई आदमी को शर्म नहीं आती। ये देख का व्लॉग का एडिक्शन दे दिया है और ये आदमी को अभी भी कंप्लेन करना है। तुम बीएचके में टू वॉशरूम, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, मुंबई में घर मतलब वैनिटी लो। बस पार्किंग खरीदनी आपको कुछ नहीं। गमला वमला दे रहा भाई प्लास्टिक का पूरा बकायदा छोटा गमला दिया है। नीचे देख लो लाइटिंग भाई, ये लाइटिंग भी है नीचे देख लो ये भाई। भाई आपको मैंने दिखाया कितना गलत हो रहा है यार मेरे साथ। मैंने पर्पल में मांगा था वैसे, उन्होंने पता नहीं क्यों ग्रीन दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं पेमेंट डिस्कस करके बताता हूँ गांगुली के। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस आदमी को शर्म नहीं आती रोने में, लेता है ना हर चीज के आजकल। आप लोगों ने व्लॉग देख के ना इस आदमी को ऐसा बना दिया। अरे यार इसके भी प्यार है, इसके भी मेट्रो स्टेशन में एक दिन बर्थडे बनेगा, ये दूसरा गौरव होगा ये होने वाला। भाई ये आदमी को कम्प्लेन करना भाई, टीवी अंदर टीवी पड़ा है यार, टीवी थोड़ा छोटा है। टीवी हमारे में भी है, दिखा नहीं ना हमारे में, तुम्हारा 31 इंच का होगा। ये सही जिंदगी जीरो गांगुली आप, हमें भाई हमें ऐसे ही मिला। ओके गाइस, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम परफॉर्मिंग इन अहमदाबाद। उसके बाद ये जो शो था वो सूरत और बड़ौदा में भी हुआ था, थोड़ा थोड़ा अलग लाइनअप के साथ, पर मैं अहमदाबाद में था बाकी लोगों के साथ, पर बहुत ज्यादा मजा आया। थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया, ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि यार चिलिंग कर रहे थे, मजे मार रहे थे, तो इतना ध्यान नहीं था। बट आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून, टेक केयर, बाय, सी यू। और हाँ, गांगुली की वैनिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी भाई मेरे से, और जो शूट हुआ वो आने वाला है बहुत जल्दी कहीं ना कहीं।